हाय एवरीवन हाई एवरीवान बाटर फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून थ्री सिक्स नाइन से आप सभी की तारों का रीडर आज हम चेकआउट करने वाले हैं कि आज मॉर्निंग आपके क्रश की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं आपके लिए करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू ठीक है दिस मॉर्निंग टुडे इज मॉर्निंग राइट चलिए देखते हैं ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है गाइस साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना है अगर आप चाहते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ और आप चाहते हो ना कि मैं आपके लिए न्यू वीडियोज ऐसी लेकर आऊं तो लाइक भी करना है डन गुड चलो तो आप चेकआउट करते हैं आपके क्रश की क्या फीलिंग्स है आज सुबह तो प्लीज डिवाइन प्लीज यूनिवर्स प्लीज एंजल्स हेल्प करें मेरे व्यूअर्स को जानने में उनके क्रश की करंट फीलिंग्स आज सुबह तो सबसे पहला ही कार्ड है हमारे पास ओके इट इज एट ऑफ स्वॉर्ड्स फाइन टू ऑफ वैंस फाइव ऑफ कप्स एंड दिस वाज ओके फाइव ऑफ वैंस अगेन बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ पेंटिकल फाइव की एनर्जी आज बहुत स्ट्रॉग दिख रही है गाइस तो मे बी फाइव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है फेवी एंजल नंबर भी देखेंगे फाइव 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 तो no मे भी हो सकता है कि फाइव वीक्स का गैप हो आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फाइव डेज का गैप भी हो सकता है फाइव मंथ्स का गैप भी हो सकता है या फिर फाइव आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ में भी आ सकता है या आपका फाइव ईयर्स का रिलेशनशिप हो सकता है या मे मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है राइट तो ये बेसिकली फाइव नंबर आज की रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है साथ ही साथ अगर हम आगे चलें तो जो जोडियक् साइंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं ठीक है सबसे पहले यहाँ पर है ए, आ, एरीज लियो वन सजिटेरियस ठीक है जेमी लबरान एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियन एंड पाइस ऑल्सो अच्छा ओके सो यहाँ पर टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन ऑल द जोरियक साइंस आर ऑलमोस्ट हेयर ठीक है सारे जोरियक साइंस आज इंपॉर्टेंट है ठीक है प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई थ्रोट क्योंकि आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है राइट तो आई होप सो आपको मेरी वॉइस क्लियर हो रही है हुँ? <laughs> तो आगे अगर हम रीडिंग को लेकर चले ना तो आपका जो पर्सन है ठीक है कहीं ना कहीं देखिए सबसे पहला एक कार्ड उनका सेवन सॉरी एट ऑफ स्वॉर्ड्स उठ कर रहा है एट ऑफ स्वॉर्ड्स यानी खुद को कहीं ना कहीं बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कैन यू सी आज सुबह उठते हुए और रात को सो भी नहीं पाए कैन यू सी दिस कार्ड रात को सो भी नहीं पाए हैं वो सही से आपके बारे में सोचते रहे हैं ओवर थिंकिंग की सिचुएशन में और कहीं ना कहीं सुबह उठते इतनी उन्हें थकावट थी मे भी हो सकता है कि वो किसी हेल्थ इश्यूज़ भी उनको हो रहे हों ठीक है मे भी हो सकता है कि उनकी तबीयत भी शायद सही नहीं है आज के दिन लेकिन ऑलमोस्ट वो अपने आप को बंध हुआ पा रहे हैं वो ऐसे सोच रहे हैं कि शायद उनके लिए निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है ठीक है और सोच किस बारे में रहे थे पूरी रात आपके बारे में देखो फाइव ऑफ कप्स यहाँ पर एनर्जी फाइव ऑफ कप्स की आई है यानी पीछे जो छूट गया जो चीज़ें चली गई हैं उनकी ज़िंदगी से ठीक है आप आपसे जो वो अलग हो चुके हैं ठीक है आप ही के बारे में कहीं ना कहीं वो पूरी रात सोचते रहे अच्छा अब यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे इन दोनों ही कांस कि जैसे वो आपको खोना नहीं चाहते अगर वो आपको खोएंगे ना तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी तरफ से फ़ील करते हैं ठीक है इस चीज़ को इस बारे में भी जब वो सोचते हैं ना कि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं रहे यही उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी नेगेटिविटी फ़ील करवा देता है उन्हें ठीक है वो खुद ही को कोसना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर भी आप उनकी एनर्जी देखिए ना तो खुद ही को ब्लेम करने की एनर्जी है खुद ही स्ट्रेस में आने की एनर्जी है हो सकता है आज मॉर्निंग में ही किसी पर्सन से उनकी फ़ाइट हुई हो अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है क्योंकि यहाँ पर भी फाइव ऑफ पेंटिकल उठ कर आया है अगर कोई ऐसी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है उनकी ज़िंदगी में ठीक है तो मे भी हो सकता है कि वो आ, उनके साथ उनकी फ़ाइट हुई हो ये थर्ड पार्टी आपको पता होती है या तो उनका हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं या फिर उनका कोई ऐसा फैमिली मेम्बर या फ्रेंड हो सकता है जिस की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुई है ठीक है मे भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि या तो उन्होंने आपको नो कर दिया या आपने उन्हें नो कर दिया ऐसी कोई सिचुएशन आई है पास्ट में ठीक है ज़्यादा चांसेस उनकी तरफ से दिख रहे हैं जैसे उन्होंने आपको मना कर दिया और वो मना करने के बाद जो पछताना होता है ना वो यहाँ पर दिख रहा है ठीक है मना करने के बाद भी पछताना दिख रहा है यहाँ पर ठीक है साथ ही साथ यहाँ पर देखो आपको पकड़ के रखना चाहते हैं वो आप अपने साथ रखना चाहते हैं अपने घर में अपने साथ रखना चाहते हैं हमेशा वो चाहते हैं कि आप उनकी आंखों के सामने रहो वो ये चाहते नहीं कि आप उनसे दूर हो जाओ ठीक है वो कोशिश भी करते हैं ना मूव ऑन करने की फिर मुड़कर आपकी तरफ आ जाते हैं उनको ऐसी सिचुएशन में समझ नहीं आ रहा वो जेनवइनली करे क्या आपके लिए ठीक है उनको समझ नहीं आ रहा वो आगे बढ़े तो बढ़े कैसे ठीक है उनके ख्यालातों ने ही उनको बांध के रखा है ठीक है क्योंकि वो आपके बारे में खुद मतलब अगर वो कोशिश भी करते हैं ना आपके बारे में ना सोचने की वो बहुत बिजी पर्सन है मे बी ठीक है मे बी वो बहुत बिजी पर्सन है जब भी वो ये भी कोशिश करते हैं ना कि आपके बारे में आज नहीं सोचेंगे उतना ही वो आपके बारे में सोचने लगते हैं उतना ही वो आपकी तरफ और खिंचावट महसूस करते हैं उतना ही उनको फ़ील होता है कि मैं इस पर्सन के पास वापस जाऊं, ठीक है मैं इस पर्सन से बात करूं, ठीक है आप के बारे में ही सोचते जा रहे हैं आपके बारे में सोचते सोचते ना उन्हें नींद आ रही है ठीक है दूसरा कोई उनसे कुछ भी बात करता तो वो मे भी फ्रस्ट्रेट होकर आंसर दे रहे हैं ठीक है गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हैं ठीक है मजाक आज कल उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है पहले जैसी वो पर्सनालिटी थी ना एकदम लविंग हैप्पी पर्सनालिटी देखो पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर उठ कर आई है तो पहले वो जो एक जैसी पर्सनालिटी थी ना वो लोग Uh, मतलब आपका पर्सन आई एम सॉरी आपका पर्सन जैसे वो पहले पर्सनैलिटी थी ना एकदम हैप्पी टाइप ठीक है हमेशा खुश रहने वाले लोगों में से ठीक है बिल्कुल भी सैड एनर्जी में नहीं आते थे जल्दी से हंसी मजाक कोई कर रहा है तो उसका रिप्लाई वो हंसी मजाक में करेंगे हैप्पी सॉन्ग सुनने वाले तो अब बिल्कुल उनकी पर्सनैलिटी एकदम चेंज सी हो गई है ठीक है अब वो सैड रहते हैं कोई भी उनसे कुछ पूछे सर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से ही उनकी फ़ाइट नहीं हो रही है या उनसे ही उनकी नहीं बन रही है ठीक है बल्कि उनकी ऐसी सिचुएशन है कि वो कोई भी उनसे आकर मज़ाक करता है या कोई भी आकर उनसे कुछ भी बात करता है ना तो वो अपसेट हो जाते हैं वो दुखी हो जाते हैं वो सैड फील करने लगते हैं ठीक है उनको बार बार ये महसूस होता है कि यार आप उनके पास नहीं हो अगर वो किसी कपल को भी देख लेना देखो टू का कार्ड है यहाँ पर भी अगर वो किसी कपल को भी देख ले ठीक है तो इट वॉज़ लाइक कि वो कपल देखते ही उन्हें अपना मोमेंट याद आ जाता है कि जैसे वो आपके साथ थे उन्हें ये चीज़ याद आ जाती है यार आ, अगर मैं उसके साथ होता ना तो शायद आज हम उसकी जगह खड़े होते तो वो वाली फीलिंग होती है ना कि आज हम उस कपल की प्लेस पर होते तो वो चीज़ उन्हें याद आती है उन्हें ये चीज़ याद आती है हम होते तो हम क्या कर रहे होते यानी अगर आप दोनों उस कपल की प्लेस पर होते तो आप दोनों क्या कर रहे होते वो चीज़ें उनके माइंड में आने लग जाती हैं ठीक है तो वो चीज़ कोई आपकी फेवरेट प्लेस बार बार वहाँ पर विजिट कर रहे हैं बार बार वहाँ पर जा रहे हैं वो ठीक है लेकिन आपसे कांटेक्ट करने की सिचुएशन में वो नहीं है मे बी कोई बर्डन है उनकी ज़िंदगी में मे बी ये फैमिली से रिलेटेड भी कोई बर्डन हो सकता है उनकी ज़िंदगी में ठीक है तो बर्डन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है तो आज मॉर्निंग में भी कहीं ना कहीं वो खुद को बंदा हुआ महसूस कर रहे हैं थकावट महसूस कर रहे हैं आपको याद करते हुए मिसिंग एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है राइट right? चलिए देखते हैं कि अगर आ, वो आपको अभी कुछ कह पाते हैं, तो वो आपको क्या कहते हैं? ठीक है लेट अस चेक आउट ओके ओके योज इज द्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड शायद उन्होंने आपको कभी कहा होगा कि आपकी नाक बहुत ब्यूटीफुल है आपके लिप्स आपकी आईज कुछ ऐसा कमेंट तो वो वही चीज़ वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं आपको लेकर ठीक है ब्यूटिफुल यू अंडरस्टैंड भी उन्हें पता है ये चीज़ कि आप उन्हें समझते हो इजेंट इट उन्हें पता है ये चीज़ कि आप उन्हें समझते हो आप उनके लिए हो एंड दैट्स वट योर पर्सन फील्स अबाउट यू राइट सो ये आज उनकी मॉर्निंग एनर्जी है अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक ज़रूर करें ठीक है थैंक यू सो मच गाइस बाय